मर गए? ये तो मारने आ रही है। बेटा तूने घर में ही दुश्मन पाल लिया, पूरी तरह फंस गया है तू। टेक रेस्ट, रिलैक्स। सब जब सोए हम जागे चांदनी रातें। ये यहाँ पर क्यों लेटे हुए हैं? पता नहीं, अनु से ही पूछ लेते हैं। अनु, आज तुम्हारी सुहागरात है ना, पर तेरा सुहाग तो बाहर सो रहा है। लगता है आज कार्यक्रम बाहर ही होगा। हाँ क्यों नहीं, बाहर ही होगा, परिवार के साथ आकर देख लेना। ए टिकट, मेरे यहाँ से 10 लोग आएंगे, ठीक है? तेरी तो, चल भाग यहाँ से। चलो चलो, चलो। ए बचा लेना बजरंग बली। यहाँ बाहर आकर क्यों सोए हो, चलो अंदर चलकर सो। ए मुझे सब पता है, बैल के सींग से मर जाऊंगा लेकिन एक लड़की के हाथों बिल्कुल नहीं मरूंगा। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा तुम्हें मारना इतनी बड़ी बात है क्या? उस दिन आकर तुमने ही बात की थी ना, अगर मैं चाहती तो उसी दिन पत्थर से सिर फोड़ देती। पत्थर से सर फोड़ देती? वही प्लान था ना। इज इट ट्रू? हाँ कहा ना। तब तो डेंजर है। तुमने तो कहा था मुझसे शादी हुई तो जान ले लोगी, तो फिर शादी क्यों की? वो क्या है ना भैया, मेरी जान है, उनका सिर किसी के सामने झुके मुझसे देखा नहीं जाएगा, और उसके अलावा तुम मुझे पसंद हो इसीलिए मैंने ये शादी कर ली। मैं पसंद हूँ तुम्हें? ये कब से शुरू हो गया? एक दिन मैंने तुम्हें पड़ोस के गांव के बाजार में देखा था। क्या मामा, सब्जियां नहीं ली? भांजे, वो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल में गंदी फिल्में भर के दे रहा है। तो जाकर उसे रोको ना। मैंने रोका तो कहता है मारेगा। दिस इज ब्लडी नॉनसेंस। आओ पूछते हैं। ए, यहां आओ, यहाँ आइए, आइए सर, आइए, यहाँ आइए। इतना घटिया काम करने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? ये छोटे छोटे बच्चों को वाहियात फिल्में दिखा रहे हो। अगर तुम्हारा बेटा होता तो गांव के बच्चों को यही संस्कार दोगे? तुम्हें तो जेल में डालना चाहिए। ए, तू जा यहाँ से, मेरा धंधा खराब मत कर, बड़ा आया समझाने वाला। कहाँ जा रहा है? यहाँ यहाँ मामा, ये तुम्हारा एरिया है। छोड़ मुझे। तो फिर ये खड़े खड़े देख क्या रहे हो, लगाओ थप्पड़। क्या है? क्या? लेकिन उस सीन के हीरो तो मामा थे ना, मैं कैसे पसंद आया? जो आदमी किसी अच्छे काम के लिए खड़ा होने की हिम्मत रखता है, मुझे बहुत पसंद है। ए, सब लोग देख रहे हैं, जल्दी से अंदर आ जाइए। बस वहीं से बात करो, सब पता है। मीठी मीठी बातों से मुझे धोखा देकर अंदर ले जाकर सर फोड़ दोगी मेरा, पर याद रखना मैं बैलों को पकड़ने वाला वीर हूं। चुप करो, बैल गधा सब बाद में पकड़ लेना, पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। हे, भूल गई उस खतरनाक बैल को, मैंने ही पकड़ा था। बेकार की बातें मत करो, पकड़ के दिखाओ कहा ना। नहीं।